दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अपने चैनल के ऊपर हमारी तरह वीडियोस अपलोड करते हैं तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में यूट्यूब की तरफ से आने वाली तीन बड़ी ही कमाल की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा और एक अपडेट तो स्पेशली उन यूट्यूबर्स के लिए होगी जिनके चैनल्स के ऊपर रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली अपडेट रीयूज कंटेंट से रिलेटेड कि यूट्यूब ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिया है कि आप वो यूट्यूबर्स जिनके चैनल्स के ऊपर रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी उनको जो एक अपील का ऑप्शन है हर यूट्यूबर को दिया जाएगा जिसके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी। यहां पर यूट्यूब ने इसमें एक और चीज ऐड की है कि पहले अपील आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते थे जो आप वीडियो अपील की एक अपलोड करते थे, लेकिन अब यूट्यूब ने यह कह दिया है कि आप अपील किसी भी लैंग्वेज में करें अपने रीयूज कंटेंट को सॉल्व करने के लिए, नीचे अगर उसका सबटाइटल इंग्लिश में ऐड करेंगे तो हम इस वीडियो को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी वीडियो में यूट्यूब ने एक और हिंट दिया है, वो ये है कि यूट्यूब ने कहा है कि ये जो अपील वाली वीडियो बनाएंगे इसमें आपने दो चीजें बतानी है, एक तो ये कि आपके चैनल की कैटेगरी क्या है, किस टॉपिक पर आप काम करते हैं, दूसरे नंबर पर आपने ये बताना है कि आपकी वीडियोस के अंदर जो कंटेंट होगा वो किस तरह का होगा। ये दोनों डिटेल्स आपकी अपनी वीडियो में जो आप अपील के लिए सेंड करेंगे अगर आप कंप्लीट करके अपलोड करेंगे तो हम आपकी वीडियो को एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की सेकंड अपडेट ये है कि यूट्यूब स्टूडियो की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें उन यूट्यूबर्स के लिए जिनके चैनल्स मोनेटाइज हैं रेवेन्यू वाले टैब में यूट्यूब ने कुछ चीजें ऐड की हैं जो कि पहले डेस्कटॉप साइट में या कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको देखने को मिलती थी कि आपको मंथली बेसिस पर कितना रेवेन्यू हुआ, कितने डॉलर्स आपने अर्न किए, आपका मंथली सीपीएम या डेली बेसिस पर सीपीएम या 28 डेज का आरपीएम कितना है, ये सारा रिकॉर्ड आपको अब यूट्यूब स्टूडियो की मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और वो यूट्यूबर्स जिनके चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है या वो यूट्यूबर्स जिनके चैनल मोनेटाइज भी हैं उनको यहां पर यूट्यूब इसमें एक और चीज ऐड कर रहा है कि हर वीडियो का एक अलग से कार्ट और एनालिटिक्स अलग से शो करेगा कि इस पर ट्रैफिक सोर्स कहां से आया, लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज आए और इसकी ट्रैफिक सोर्स की रीच कहां कहां से आई है आपकी इस वीडियो पर। ये सारी डिटेल्स यूट्यूब अब यूट्यूब स्टूडियो की मोबाइल एप्लीकेशन में आपको शो करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो की थर्ड अपडेट जो कुछ दिन पहले भी मैंने शेयर की थी, अब यूट्यूब ने बाकायदा इसको एक वीडियो के तौर पर अनाउंस किया है कि वो यूट्यूबर्स जिनके चैनल्स के ऊपर अभी 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए उनको भी यूट्यूब कम्युनिटी टैब दे देगा। कम्युनिटी टैब की एक रिक्वायरमेंट ये है कि जब चैनल्स के ऊपर 500 से अबव सब्सक्राइबर्स होंगे तो विद इन वन वीक आपको कम्युनिटी टैब दे दिया जाएगा और ये वो ऑप्शन है जिससे आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।